हेलो हाय गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त ललिता। संडे की सुबह है, ठंड का दिन है और दिसंबर का महीना। सच कहूं तो रजाई से निकलने का मन तो इस वक्त किसी को भी नहीं करता है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग जग चुके हैं और कुछ लोग रजाई से ही मेरे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। तो ऐसे बहुत से मीठी मीठी बातों के साथ आ गई हूँ मैं आप सभी का नंबर वन मॉर्निंग शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। ठंड के दिनों में ना सबसे ज्यादा प्यार हर कोई किससे करता है? हाँ जी, चाय से। बस एक कप चाय गरम गरम आपको रजाई में ही मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। ठंड के समय में ही शादियों के सीजन भी चल रहे हैं। इन दिनों तो लगभग हर दिन कहीं शादी तो कहीं एंगेजमेंट की पार्टियां लोग खूब धूमधाम से मना रहे हैं। लेकिन जो लोग अभी भी सिंगल हैं, शादी की या कहीं की अपनी हम सफर की राह देख रहे हैं, आखिर उनका दिल क्या कहता है, ये भी सुने। एक गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो, मिल जाए तो मिट जाए हर हम। आई विश कि सबके विश जल्दी पूरी हो जाए। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप गुड मॉर्निंग बनारस। अकेले हैं तो क्या गम है। हमारी जिंदगी में ना कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को बहुत अकेला महसूस करते हैं। ऐसे वक्त में ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद को खुश रखना, और खुश रखने के लिए हमें बात करनी पड़ती है खुद से, क्योंकि कभी कभी हम सबको जान जाते हैं पर खुद को समझने में ना बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। रास्ते ही रास्ते हैं, कैसा है ये सफर, ढूंढती है जिसको नजरें, जाने है वो किधर। जाने क्या ढूंढता है ये मेरा दिल, तुझको क्या चाहिए जिंदगी। कुछ पाने के लिए दौड़ा जाए जरूरी नहीं, बहुत सी चीजें ठहरने से भी मिल जाती हैं, जैसे सुकून, शांति और खुशी। सुन रहे हैं आपकी वाणी आकाशवाणी, और यहाँ से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। चलिए देखते हैं कि देश और दुनिया में आज क्या है खास। आज है 11 दिसंबर और आज है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को बच्चों और लोगों को ताजा पानी, स्वच्छ ऊर्जा, भोजन और मनोरंजन प्रदान करने में पहाड़ों की भूमिका के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। और आज ही है यूनिसेफ दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ का मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है। और अब एक नजर आज के दिन यानी कि 11 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर। आज ही के दिन 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में रख कर की, जिसकी स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र ने 11 दिसंबर 2014 को दे दी।
वर्ष 1998 में 23वें काहिरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में तमिल फिल्म टेररिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ भूमिका के लिए आयशा धारकर को ज्यूरी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्रदान किया गया। वर्ष 1964 में संयुक्त राष्ट्र के यूनिसेफ की स्थापना हुई और वर्ष 1960 में बाल विकास में लगी अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के सम्मान में भी 15 नए पैसे का विशेष डाक टिकट जारी किया गया। तो दोस्तों, ये थी 11 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं और अब जान लेते हैं कि आज के दिन जो व्यक्ति जन्मे हैं। बात कर रहे हैं आज के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज ही के दिन 1969 में विश्वनाथन आनंद का जन्म हुआ था। आप सभी जानते हैं कि वे भारत के प्रसिद्ध शतरंज के खिलाड़ी हैं। 1935 में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी जन्म हुआ था, यानी कि आज ही के दिन। ज्योतिर्मयी सिकदर, जो कि भारत की प्रसिद्ध महिला धाविकाओं में से एक हैं, उनका भी जन्म आज ही के दिन 1969 को हुआ। और हिंदी फिल्म के अभिनेता दिलीप कुमार का जन्म भी आज ही के दिन 1922 में हुआ। आप सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब आपको इसके साथ ही ये भी बता दें, आज के दिन जो इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2017 में सुनीता जैन, जो कि हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार थी, इस दुनिया को छोड़ के चली गई। भारत रत्न सम्मानित प्रसिद्ध सितार वादक रविशंकर भी आज ही के दिन इस दुनिया को छोड़ के चले गए। कर्नाटक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री MS सुब्बुलक्ष्मी भी आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कह गई। प्रसिद्ध कवि गीतकार कवि प्रदीप 1998 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। और 1949 में कृष्णचंद्र भट्टाचार्य, जो कि प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन किया, वो भी आज ही के दिन इस फानी दुनिया को छोड़ के चले गए। तो दोस्तों, ये थी देश दुनिया में आज की बात। और अब प्रोग्राम में बढ़ते हैं आगे अपने अगले सेगमेंट की तरफ और देखते हैं शहर बनारस में क्या कुछ है खास। देखिए, आज है संडे और अगर आपने कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाया है तो जरा सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि आज शहर में कई जगहों पर रूट डायवर्सन है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बनारस आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो यूनिवर्सल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में जनसभा होगी, इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे। इसे देखते हुए कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध व डायवर्सन रहेगा। अब आइए आपको ये भी बता दें कि रोक किन सड़कों पर रहेगी। पुलिस लाइन चौराहा से गोलघर कचहरी चौराहा नहीं जाने दिया जाएगा, वाहनों को पांडेपुर चौराहे की तरफ मोड़ा जाएगा। अंबेडकर चौराहा से वाहनों को गोलघर कचहरी की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, इन वाहनों को भी जेपी मेहता की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। जेपी मेहता तिराहा से सर्किट हाउस की तरफ वाहनों के जाने पर रोक रहेगी, उन्हें सेंट्रल जेल की तरफ से भेजा जाएगा। चौकाघाट चौराहे से तेलियाबाग तिराहा जाने पर रोक कर वाहनों को अंधरा पुल की तरफ जाने दिया जाएगा और अंधरा पुल चौराहे से वाहनों को मरीमाई तिराहा की तरफ जाने पर रोक रहेगी, वाहनों को कैंट की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। तो ये थी रूट डायवर्सन की बात। आप भी सोच समझकर आज घर से निकलिएगा कि आज संडे है तो हम प्लान बना ले, तो आप कहीं परेशान न हो जाए, इसीलिए हमारा काम हमने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे। खेलो बनारस जनपद स्तरीय प्रतियोगिता सिग्रा स्टेडियम में 13 व 14 दिसंबर को होगी, जिसमें ब्लॉक स्तर पर कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, चक्का समेत 9 प्रतियोगिताओं में ब्लॉक स्तर के विजेता 1888 खिलाड़ी भाग लेंगे। बढ़ते हैं आगे। टाउन हॉल में बीते दिन हस्तशिल्प मेला सज गया है, जिसका उद्घाटन संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह ने किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि बनारस एक संगम है जहां पूरे देश के हस्तशिल्पी अपने उत्पादन को लेकर श्री काशी विश्वनाथ धाम के समीप एकत्र हुए हैं। यहां एक ही स्थान पर सभी राज्यों का स्वदेशी उत्पाद एक ही साथ खरीदने का अवसर मिलेगा। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्नातक अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए स्पेशल बैक परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत अनुत्तीर्ण विद्यार्थी सभी पेपर की परीक्षा दे सकते हैं, जबकि बैक में अधिकतम दो विषय की ही परीक्षा दी जा सकती है। विद्यापीठ के इस फैसले से वाराणसी सहित 5 जिलों के सैकड़ों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्पेशल बैक परीक्षा होने से छात्रों का साल बर्बाद नहीं होगा, तो सच ये तो बहुत ही खुशी की बात है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। अब थोड़ा सावधान हो जाइए बनारस वासियों, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का असर दिखने लगा है। बीते काफी दिनों से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ रही है। बर्फबारी से यूपी समेत पूरे उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज जारी है, तो वहीं कई जगहों पर शीतलहर का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी यूपी में अगले 2 दिनों में सर्द हवाएं ठंड के साथ कनकनी बढ़ा सकती है, तो आप सब ठंड के लिए तैयारी कर लीजिए, गर्म कपड़े तैयार कर लीजिए ताकि ठंडी से बच सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण की पहली वर्षगांठ यादगार होगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर 13 दिसंबर को मंदिर प्रशासन की ओर से भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। बाबा विश्वनाथ का धाम वेद मंत्रों से गूंजेगा। कई संत महात्मा और धर्माचार्य भी इस आयोजन के साक्षी बनेंगे। मंदिर प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और अब देखते ही देखते मेरा चलने का वक्त हो गया, तो आपसे कहना चाहेंगे अपना ख्याल रखें, अपनी प्रकृति का ख्याल रखें। इस लॉकडाउन में हम सभी ने देखा कि हमारी प्रकृति कितनी खूबसूरत है। सब कुछ रुका हुआ था जब, तो हमने महसूस की हवा की आवाज, पक्षियों की आवाज, अपने पर्यावरण को नजदीकी से जाना। सच प्रकृति बहुत खूबसूरत है, तो इसे संजोए रखें, बनाए रखें। जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनका सामना करने के लिए इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो हमेशा चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर मधुरिमा के साथ।